छत्तीसगढ़ के पूर्व परिवहन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया के अंत्येष्टि में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। यहां उन्होंने पार्थिव देव को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने बीती रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें आत्महत्या का कारण लंबे समय से बीमार चलना बताया गया है। अंतिम यात्रा उनके गृहग्राम छुरिया से निकाली गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि और जो लगातार 365 दिन काम करने की क्षमता उसकी थी, सतत प्रयास, और रोज कोई दिन ऐसा नहीं आता था जिस दिन वो खाली बैठा हो। लगातार संगठन में भी और जब विधायक और मंत्री रहा उस हैसियत से भी काम किया, तो इसको हमने बहुत सारे स्वरूप में देखा। मजबूती के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति एक बहुत मजबूत पिल्लर, स्तंभ कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव जिले में ने हमारे बीच से चला गया है। बहुत ही दुखद क्षण है और आज हम सब उसके इस यात्रा में सम्मिलित होने के आए हैं, उनके परिवार वालों को ढांसस बंधाने, और ईश्वर उनको शक्ति दे, उनका सुपुत्र, उनके परिजनों को आज मिलकर हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की, और पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरे संगठन की ओर से हम सब अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बता दें कि भाटिया की अंतिम यात्रा में भाजपा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। राजनांदगांव से TCP 24 के लिए विपुल कन्हैया की रिपोर्ट।